हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटरेस्ट स्टडी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में देखेंगे NTFAS मॉक टेस्ट नंबर 64 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक करके आप सीधे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। NTFAS के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री, देन आएंगे फिजिक्स पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बायो का है, एपोजियोट्रॉपिक रूट्स फॉर्मिंग एंड एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑब्जर्व्ड इन। आंसर ए साइकस। साइकस शोज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एपोजियोट्रॉपिक एज दे ग्रोज अपवर्ड्स। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। बोथ दिज प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर। आंसर ए पॉलीमोनियोल्स। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन द वायरल पैथोजन दैट काउजेज मॉटलिंग एंड लीफ डिस्कलरेशन इन द निकोटियाना ग्रुप ऑफ प्लांट्स। आंसर सी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हाउ मेनी ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द लार्जेस्ट मेराइन फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आंसर डी 5 है यहाँ पे। द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। इट इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट मेराइन फाइलम। एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, स्क्विड एंड डेविल फिश बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस बिलोंग टू फाइलम अर्थोपोडा। स्टार फिश, सी अर्किन एंड सी ककम्बर बिलोंग टू फाइलम इकैनोडर्मेटा। अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवेन बाई आर एच विटेकर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरोला इज एडेड इन। आंसर सी प्रोटिस्टा। हार्डवुड हैव, आंसर बी वेसल्स इन एबंडेंस। हार्डवुड इज अ नेम ऑफ द डाइकोट वुड विच पजेज एबंडेंट वेसल्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोरस वुड। द कंटेंट ऑफ ट्रैकिट्स इज लेस देन 5% एंड जाइलम फाइबर्स आर एबंडेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवेन अबाउट ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाई एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रू वंस। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है लाइकेंस आर म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सही है। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है दे ग्रो एक्सटेंसिवली इन एरियाज विथ हाई पॉल्यूशन हेंस कॉल्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये गलत है, लो पॉल्यूटेड एरिया में होते हैं, हाई पॉल्यूशन में नहीं ग्रो करते हैं। थर्ड यहाँ पे कह रहा है द फाइकोबायोंट मेंबर एल्गी इज एन एटोट्रॉफ एंड द माइकोबायोंट मेंबर फंगी इज हेटरोट्रॉफ। ओके, तो ये भी हमारा सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है फंजाई हेल्प्स द एल्गी हार्वेस्ट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द एनिमल दैट हैज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आंसर ए मिंड्रीना। सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक फूड विद लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर सी ट्रिपैनोजोमा। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी विथ इट्स करेक्ट टिश्यू टाइप। आंसर सी अक्वामस इपिथेलियम लंग एयर सैक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन। आंसर ए क्रोमैटोफोर्स में। इन द गिवन कॉलम्स मैच द प्लांट विद ईयर फ्लावर बेस्ड ऑन ओवरी पोजिशन। तो फर्स्ट का सी होगा इपिगाइनी ककम्बर, पेरीगाइनी पीच और हाइपोगाइनी चाइना रोज। सेल्स फाउंड इन द हाइपोडर्मल लेयर ऑफ डाइकोट स्टेम सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। आंसर बी आर डेड एट मैच्योरिटी। द स्टामेंस आर अटैच्ड द पेटल्स इन। आंसर सी ब्रिंजल। द अमाउंट ऑफ गॉल्जी बॉडीज विल बी हाइएस्ट इन। आंसर डी गॉबलेट सेल्स, क्योंकि सेक्रेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। गॉबलेट सेल बीन सेक्रेटरी इन फंक्शन विल हैव मोर एबंडेंट ऑफ गॉल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल्स आर कंपेयर टू अदर सेल्स फ्रॉम द ऑप्शंस। गॉल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट आर पीट फॉल ट्रैप्स दैट आर सीन इन द मेंबर्स ऑफ जीनस निपेंथीज। आंसर सी लीफ। इन द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स डिटरमाइन द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज एंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, ये हमारा सही है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है एदरिंग जंक्शन अलोंग विद सीमेंटिंग सेल टुगेदर ऑल्सो फैसिलेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ये हमारा गलत है। थर्ड यहाँ पे है कंपाउंड इपिथेलियम कवर्स द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बगल कैविटी फेरिंग्स एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, ये हमारा सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर इन थिन इलोंगेटेड विथ पॉइंट एंड्स एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई, तो ये हमारा गलत है। ओके, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर इज थिन इलोंगेट विथ ब्लंट एंड्स एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट द टिप ऑफ नोज एंड ईयर, सही था। एदरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नर्विंग सेल टुगेदर। ओके, आते हैं नेक्स्ट। ऑल द गिवन प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक सेल एक्सेप्ट, आंसर बी वैक्यूल इज वेरी लार्ज एंड मे बी मोर देन वन। स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द गिवन सेल सैंपल, सेल हैज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेनी गॉल्जी बॉडीज, विच टाइप ऑफ सेल कैन इट बी, आंसर सी लिम्फोसाइट। सीड डोरमेंसी मे बी ड्यू टू, आंसर डी ऑल ऑफ दीज, यानी इमेच्योर इम्ब्रियो, हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। नेक्स्ट, अ सेल ड्यूरिंग द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, आंसर होगा डी यानी कि एनाफेज ओनली। माइटोसिस इज वन ऑफ द टू डिविजनल फेज इन सेल साइकिल, इट अकर्स आफ्टर इंटरफेज एंड इज सक्सेडेड बाई साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिविजन। माइटोसिस हैज प्री प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज एट द स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन द सेम ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट इंजाइम्स, डिटरमाइन द स्टेटमेंट्स दैट इंश्योर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन इंजाइम फॉर द सब्सट्रेट, तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड जो है वही जो है वो डिटरमाइन करता है स्पेसिफिसिटी, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ तो सब में हो सारे इंजाइम होते हैं। ओके, द इंजाइम इज जनरली मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, द एमिनो एसिड्स हैव आर एज फंक्शनल ग्रुप हुज वेरिएशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड, ड्यू टू आर ग्रुप द बॉन्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन इंजाइम विल डिफर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फॉल्ट्स एंड बेंड्स टू इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर इनेबलिंग द मेकिंग ऑफ सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट विच इज हाईली स्पेसिफिक। इस ये जो 64 नंबर जो हमारा जो टेस्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बायो के मस्ट वॉच क्वेश्चन वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे 22 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट था, नाइट्रेट फॉर्मेशन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय, आंसर सी नाइट्रो बैक्टर। डिटरमाइन द प्रोसेस दैट विल अकर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एडजेसेंट सेल्स, आंसर हमारा सी होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल एक्स टू वाई। ओके, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होते हैं, तो यहाँ पे डीपीडी ओपी माइनस डीपी करेंगे तो 2 आएगा एक्स में और 12 - 8 यानी कि यहाँ पे 4 आएंगे, तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। अ बायो कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एनर्जी एल्ड, अ गिवन सैंपल ऑफ सोमैटिक सेल वॉज ट्रीटेड विथ केमिकल एक्स, इट वॉज फाउंड दैट केमिकल एक्स इनहिबिट्स क्रोमैटिड सेपरेशन ड्यूरिंग सोमैटिक सेल डिविजन प्रोसेस, द ट्रीटेड सेल विल रीच विच स्टेज ऑफ डिविजन बिफोर बींग इंटरप्टेड, आंसर हमारा होगा बी मेटाफेज। एक्स कोल्चिसिन इज अ माइटोटिक इनहिबिटर, इट डज नॉट अलाउ स्पिंडल फाइबर टू बी फॉर्म्ड, दस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स विल अकर एंड प्रोफेज विल बी कंप्लीटेड बट मेटाफेज वॉन्ट बी कंप्लीटेड। गिवेन बिलो द प्रोसेस टू सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू बाई एसिड ट्रीटमेंट एंड अ लिस्ट ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, सेग्रीगेट द ऑब्जर्वेशन अंडर फिल्ट्रेट ए एंड रिटेंटेड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो आंसर हमारा होगा सी यानी कि यहाँ पे ए जो है यानी कि फिल्ट्रेट में आएंगे 1 और 4 यानी मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम
18 to 800 डाल्टर्स अप्रोक्स, और 4 यानी कि हैज मोनोमर्स, और 2, 3, 5 आएंगे बी में यानी रिटेंटेंट में जो बच जाते हैं, यानी कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉली सैकराइड्स एंड लिपिड्स। और यहाँ पे 3 है केमिकल्स मोर देन 800 डाल्टर्स मोलिकुलर वेट, और 5 है जनरली हैज पॉलीमर्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ ब्राउट अबाउट द वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट्स इज अ टाइप ऑफ, आंसर सी अरिथमेटिक ग्रोथ। डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, यानी कि सबसे पहले ए होगा, यानी कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ बोलस, देन सी डीग्लुटेशन, उसके बाद बी यानी कि प्रोडक्शन ऑफ काइम, देन ई यानी डाइजेशन इन द मोस्ट क्वाइल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देन डी यानी कि पैसेज ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस टू द सिकम। ओके, नेक्स्ट द एसिड कंसेंट्रेशन इन कैम प्लांट्स इज मोर एट, आंसर बी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी ऑन द एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आंसर सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द डिफरेंस शोन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेज विल बी, आंसर सी कॉटन एंड लार्कस्पूर, प्लास्टिसिटी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द बायो कैटलिस्ट दैट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, आंसर सी पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। इन द हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिटकेल, वेयर विल वी ऑब्जर्व द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोटॉन्स इन द सेल, आंसर बी ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आंसर होगा बी यहाँ पे फर्स्ट एंड थ्री, यानी द एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इज इन अ स्मॉल ब्रोंकियोस अलाउज देम टू एक्सपैंड, और थर्ड यहाँ पे है द रिकॉइल ऑफ द इलास्टिक फाइबर सराउंडिंग द एल्वियोली हेल्प टू मूव एयर आउट ऑफ एक्सपायरेशन, फोर यहाँ पे कर ट्रेकिया एंड ब्रोकाई आर सपोर्टेड बाय सर्कल्स ऑफ कार्टिलेज, तो सर्कल नहीं होगा सेमी सर्कल होंगे, और यहाँ पे ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, लेकिन यहाँ दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेकेंड में, इसलिए आंसर बी होगा। डिटरमाइन द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। ओके, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट जो है हमारा वन और सेकेंड है, यानी कि द मोस्ट अबंडेंट लिकोसाइट इज ग्रेनुलोसाइट वाइल द लीस्ट एबंडेंट लिकोसाइट इज एन एग्नोसाइट, हमें गलत है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है द लार्जेस्ट लिकोसाइट इज ग्रेनुलोसाइट वाइल द स्मॉलेस्ट लिकोसाइट इज एन एग्नोसाइट, ये हमारा गलत है। बाकी थर्ड और फोर्थ जो है सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। फैगोसाइटिक लिकोसाइट्स मे बी एग्नोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट वाइल द लार्जेस्ट एग्नोसाइट हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ओके, द मोस्ट एबंडेंट लिकोसाइट न्यूट्रोफिल इज अ ग्रेनुलोसाइट व्हाइल द लीस्ट एबंडेंट लिकोसाइट बैसोफिल इज ऑल्सो अ ग्रेनुलोसाइट, द लार्जेस्ट लिकोसाइट मोनोसाइट इज एन ए ग्रेनुलोसाइट व्हाइल द स्मॉलेस्ट लिकोसाइट लिम्फोसाइट इज ऑल्सो एन ए ग्रेनुलोसाइट। फैगोसाइटिक लिकोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स यानी ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट व्हाइल द लार्जेस्ट ए ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट हैज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। 37, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेन्स फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इज, आंसर ए किडनी, देन लिवर, देन लंग्स, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड, उसके बाद किडनी। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ जीएफआर द किडनीज रिलीज रेनिन, रेनिन एक्ट्स ऑन द लीवर एंड कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इंटू एंजियोजेंसिन फर्स्ट, इन द लंग्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकेंड व्हाइल द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इज एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड
विच रिलीजेज एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द किडनी एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, दस दिस मैकेनिज्म इंक्रीज ब्लड प्रेशर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ ए का बॉल एंड सॉकेट का होगा फाइव, यानी ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। बी का होगा यहाँ पे हिंज, हिंज का होगा फोर, नी ज्वाइंट। सी का टू, यानी कि पाइवोट का एटलस एंड एक्सिस। और डी का सैडल ज्वाइंट का वन, यानी कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ द थंब। और ज्वाइंट्स के जितने भी एग्जाम्पल है उसको मैंने ट्रिक बना रखे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनी है, आप वहाँ पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक। ओके, नेक्स्ट 39। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आंसर है बी जो है इनकरेक्ट है, सेरिबेलम जो है लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन नहीं करता है, बाकी जो हमारा ए है मेडुलोओब्लोंगेटा होम्योस्टेटिक कंट्रोल बिल्कुल सही है, कॉर्पस कैलोजियम जो है कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्सेज, और सेरेब्रम यानी कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन जो है सही है। द सेरिबेलम इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मोटर मूवमेंट बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड नॉट लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन। इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द ब्रेन स्टेम एंड टुवर्ड द बैक ऑफ द ब्रेन। सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज बाई ग्लैंड फाउंड ऑन टॉप ऑफ किडनी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है बी, कॉर्टिसोल इज अ मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, यहाँ पे जो ए बी और डी क्यों गलत है यहाँ पे देखते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम प्लस के, पोटेशियम को नहीं करता है, एंड वाटर फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल्स। थर्ड यहाँ पे जो जो कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, लेकिन यहाँ प्रोमोट बता रहा था। यहाँ पे डी में कह रहा है कि एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, लेकिन एंड्रोजेन नहीं होगा इसलिए गलत है। नेक्स्ट सेलेक्ट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेंस फोकसिंग व्हाइल सीइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आंसर हमारा सी होगा, रिलैक्स्ड सिलियरी मसल एंड टाइटली स्ट्रेच्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, जब इनफाइनाइट को देखेंगे तो रिलैक्स रहेगा। ओके, डिस्टेंट और नजदीक देखेंगे तो वो स्ट्रेच्ड रहते हैं। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स विल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बी ऑब्जर्व्ड, आंसर बी ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। ओके, ए एंड बी आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स नोन टू काउंटर एक्ट ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर सिक्रेटेड बाई डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम लीफ लाइक ऑर्गेन फाउंड नियर द स्टोमैक। लीफ लाइक जो ऑर्गेन है स्टोमैक के नियर वो पैनक्रियाज है। इफ बी इज यूज टू क्योर अ डिजीज इन विच ग्लूकोज इज लॉस्ट वाया यूरिन एंड एक्सेस ए इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ द सेम डिजीज, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए जो हमारा होगा ग्लूकागोन और बी जो होगा वो इंसुलिन होगा। यहाँ पे कह रहा है 44 इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट आर, आंसर हमारा ए होगा, वन एंड थ्री जो है इनकरेक्ट है। द साइनो एट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, गलत है। सेकंड यहाँ पे कहा लिगामेंटम एल्ट्रियोसम कनेक्ट्स द ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है पुर्किंजी फाइबर्स कंस्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ बंडल ऑफ हिज, ये हमारा गलत है। फोर यहाँ पे कह रहा है द पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट्स द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, बिल्कुल सही है। ओके, वाइटल कैपेसिटी इज सम ऑफ, आंसर होगा बी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं आरवी वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर हमारा डी होगा, इंसुलिन ग्लूकागोन और थाइमोसिन। इसमें जो इंसुलिन ग्लूकागोन तो सही है लेकिन थाइमोसिन गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्स कॉर्टिकॉइड्स आर हार्मोन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, बिल्कुल सही है। नॉर इपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन एंड एड्रेनिल आर हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मोडुला ऑफ एड्रेनल ग्लैंड रिलैक्स एड्रेनल ग्लैंड, और जो है रिलैक्सिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर हार्मोन फॉर फीमेल गोनाड्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज, एंड थायमोसिन इज हार्मोन ऑफ
थाइमस ग्लैंड। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एरेनोटोकी एंड थेलोटोकी। आंसर हमारा ए होगा। इन एरेनोटोकी ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस, व्हाइल इन द थेलोटोकी ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस। ओके, विच ऑफ दीज फ्लावर्स विल बी लार्जेस्ट इन साइज। आंसर हमारा सी होगा, ऑर्थिनोफिलस, जो बर्ड से जो होते हैं पॉलिनेशन वो हमारे बड़े होते हैं। टू इन्हांस द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाई एमोर्फोफेलस टू द पॉलिनेटिंग एजेंट। आंसर हमारा डी होगा, सेफ प्लेस टू एग से एगले टू ले एग्स। डिटरमाइन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट प्रोडक्शन। फर्स्ट यहाँ कह रहा है द यूगोनिया कीप ऑन एडिंग इन द ओवरी टिल मेनोपॉज। ये हमारा गलत है, यूगोनिया पहले से ही बन के रखा रहता है। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है द प्राइमरी ओओसाइट आर हाल्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। आंसर हमारा यहाँ जो सेकेंड जो है सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है द फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फॉलिकल इज कॉल्ड द एट्रियम। गलत है, एंड्रम होते हैं। और यहाँ पे फोर कह रहा है यहाँ पे कि द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ये भी हमारा जो है गलत है, जोना पेलुसिडा होते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नो मोर उगोनिया एडेड टू द ओवरी आफ्टर बर्थ, द फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट इन द ट्रसरी फॉलिकल इज कॉल्ड एंड्रम। और फोर यहाँ पे कह रहा है द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा अराउंड इट। ओरल बर्थ कंट्रोल पिल विच इज नॉट स्टेरॉयड इज। आंसर होगा डी, सहेली। ओके, नेक्स्ट। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। आंसर बी, ईपी हाइड्रोफिली। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल रीड कर लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लड ग्रुप्स द पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप इज इनडिफिनेटली होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉल्ड गिफ्ट यूजेज। आंसर सी, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर टू द फेलोपियन ट्यूब। जी, गिफ्ट में जी मतलब गैमेट होता है, तो ओवम जो है वो गैमेट हो गया। इन मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटरोजाइगस राउंड येलो सीड प्लांट्स वेयर सेल्फ क्रॉस्ड राउंड सीड राउंड ग्रीन सीड सीडेड ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप। तो आंसर हमारा डी होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल बाय स्मॉल बार और कैपिटल आर स्मॉल बाय स्मॉल बाय। ये हमारा रेड और जो हमारा ये है राउंड और ग्रीन हो जाएंगे। ओके, ये रहे एक्सप्लेनेशन। इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, बस देख लेना कि इसमें जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है यहाँ पे ग्रीन सीड के लिए, तो केवल और केवल डी में ही है। ओके, द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ह्यूमंस इज। आंसर डी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम फर्स्ट एज। हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और ए सी और डी सही है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ स्पर्म एंड ओवम समिट रीच द एम्बुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, द डिवीजन ऑफ द मोरूला लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और डी यहाँ पे कहा था एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय द डिफरेंसेस ऑफ इनर सेल मास। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म फर्स्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, सर्टेन एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय द एक्रोजोम्स ऑफ द स्पर्म, दीज एंजाइम्स काउज सर्टेन चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा लेयर, दस द एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म स्पीच प्रिवेंटेड। द गिवन पेडिग्री चार्ट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आंसर हमारा सी होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट यानी सिकल सेल एनीमिया। जो हाफ यहाँ पे जो किया हो वो कैरियर है, तो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल्ड बाय। आंसर हमारा डी होगा, टू जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम 16। ओके, ये हमारा जो है वो थैलेसेमिया के डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म विल वी फाइंड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनेलीज निक नेम्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आंसर डी, द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। ओके, उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
नेक्स्ट है एपोमिक्सिस इन विच द न्यू सेलर टिश्यू सेल्स फॉर्म एम्ब्रियोज इज शोन बाय आंसर सी लेमन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डू नॉट शो एनी डेविएशन आंसर बी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आई कलर इज ट्रू फॉर फ्रूट फ्लाई आंसर होगा डी रेड आई कलर इज डोमिनेंट। ओके आर ई डी डी मतलब डोमिनेंट हो गया है। व्हाइट आई कलर इज ओवर व्हाइट आई कलर एंड इट्स जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम। ओके हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स तो आंसर होगा सी यानी कि 5। एंजियोस्पर्म शो डबल फर्टिलाइजेशन इन सिनगेमी देयर इज अ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट हैविंग वन न्यूक्लियस इज इन ट्रिपल फ्यूजन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट हैविंग वन न्यूक्लियस एंड टू पोलर न्यूक्लियाई दस 5 न्यूक्लियाई टू पोलर न्यूक्लियाई वन न्यूक्लियाई टू मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर सेल भी पूछता है। ओके तो यहाँ पर 4 सेल और 5 न्यूक्लियाई होंगे। ओके पिछले मॉड्यूल में भी पूछ सकता है। विच ऑफ दीज इज अ नॉन इन्फेक्शस एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज आंसर होगा सी रिमेटॉइड अर्थराइटिस। 65 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है सबसे पहले सी होगा यानी कि फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। उसके बाद ए यानी कि पैसेज ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स फॉर मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर। उसके बाद होगा यहाँ पे ई यानी कि ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। देन होगा बी यानी पैसेज ऑफ इफ्लुएंट इनटू द सेटलिंग टैंक एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद डी होंगे यहाँ पे रिलीज ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। ओके और ये रहे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वेयर विल बी द ह्यूमन इंसुलिन फाउंड इन द जेनेटिकली अल्टर्ड प्रोकैरियोट आंसर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और ये एक्सप्लेनेशन। हाइड्रॉक्स सक्सेशन एंड जेरॉक्स सक्सेशन डज नॉट डिफर इन आंसर सी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स सेलेक्ट द वंस दैट आर एडवांटेजियस कौन कौन एडवांटेजेस हैं तो फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है द इंक्रीज्ड यील्ड फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स अलाउज अ स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड टू बी फार्म्ड बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स मे हैव इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है सम प्लांट्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू गिव रेजिस्टेंस टू डिजीज ये भी सही है। और फोर्थ यहाँ पे कह रहा है देयर इज ए मोर रिसर्च नीडेड ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स ऑन द एनवायरमेंट ये हमारा सही तो है लेकिन यहाँ पे एडवांटेजियस नहीं है। फिफ्थ यहाँ पे कह रहा है द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स मे एक्सप्लेन द इंक्रीज इन एलर्जीज इन चिल्ड्रेन ये सही है लेकिन ये हमारा जो है यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है एडवांटेजियस पूछ रहा है तो यहाँ पे फोर और फिफ्थ नहीं है। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड बेकर्स यीस्ट आंसर होगा बी एन यूकेरियोट सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी जो फंजाई है सिंगल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइएस्ट परसेंटेज इन ड्राई बायोमास आंसर बी कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इनहिबिट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड दस प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम टर्निंग कैंसरस आंसर होगा सी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। द टोटल ड्राई वेट एक्सेसिबल टू हेटरोट्रॉप्स इन एन इकोसिस्टम विल फॉर्म द आंसर बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रीड द गिवेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द करेक्ट वंस। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो एक्चुअल इन्फेक्शन के बिफोर नहीं हो सकता है उसके बाद ही आफ्टर द एक्चुअल इन्फेक्शन होते हैं। थर्ड यहाँ पे कह रहा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अ वायरस इन रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा गलत है यूजिंग अ ईस्ट था ईस्ट को यूज करके बनाया गया था। फोर्थ यहाँ पे कह रहा है एंटीबॉडीज आर गिवेन डायरेक्टली इन केस ऑफ इन्फेक्शन विथ डेडली माइक्रोब्स टू इलिसिट अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स ये हमारा सही है। नेक्स्ट
एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोकैरियोटिक पैथोजेन इज, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोकैरियोटिक पैथोजेन इज, आंसर हमारा सी होगा ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। ओके, बाकी सारे फंगस से होते हैं कॉज। रेड रॉट शुगर केन इज कॉज्ड बाय फंगस, लेट बाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फंगस, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगस, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, टोबैको मोजैक वायरस इज कॉज्ड बाय वायरस, टोबैको मोजैक डिजीज। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉम्पिटिटिव रिलीज, आंसर होगा सी एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया ड्यू टू अ कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पीसीज बींग एक्सपेरिमेंटली एलिमिनेटेड। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज, सबसे पहले बी होंगे यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में सबसे पहले किया था यहाँ पे, टू सेफ गार्ड आवर वाटर रिसोर्स इन इंडिया। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन वाज एमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट। उसके बाद है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% ऑफ द हिल्स, रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन कनाडा मॉन्ट्रियल 1987, इफेक्टिव इन 1989। तो आंसर हमारा होगा बी यानी कि सबसे पहले बी जिसमें 1974 है 1974, उसके बाद ए यानी 1987, देन 1988, उसके बाद 1987। ओके, नेक्स्ट। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सॉइल टाइप्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे यहाँ पे ज़्यादा होगा फाइन सैंड, देन सिल्ट, उसके बाद क्ले। पार्टिकल साइज ऑफ द क्ले 0.002 नैनोमीटर, वाइल दैट ऑफ 0.022 0.02 मिलीमीटर। द पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड इज 0.02 to 0.2 मिलीमीटर, वाइल दैट ऑफ कोर्स सैंड इज 0.2 to 2 मिलीमीटर। डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो करेक्ट जो हमारा है डी, कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड कलेक्ट निगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। 79, इन विच द फॉलोइंग रीजन एक्सोन न्यूक्लियस विल कट द डीएनए, आंसर हमारा बी होगा एट द एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये हमारा आंसर बी होगा। 80, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम लोवेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी टू हायर क्रेनियल कैपेसिटी इज। ओके, तो आंसर हमारा बी होगा। होमो हैबिलिस का होता है 652 800, उसके बाद जावा मैन का होता है यहाँ पे 900 cc, उसके बाद है नीडरटल मैन यानी कि उसका होता है 1400 cc। ओके, पिछले मॉक टेस्ट में हमने इसका ट्रिक बताया था याद रखने का। हाउ मच अमाउंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन अर्थ एटमोस्फेयर, तो आंसर हमारा सी होगा 1/5 यानी कि 20% होते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फेयर व्हाइल विच इज अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज परफॉर्म बाई द राइबोजोम्स, आंसर हमारा ए होगा असेंबल एमिनो एसिड इन अ चेन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल कर रीड कर लेते हैं, यानी कि टाइगर के बारे में यहाँ बताया गया है, टाइगर यानी कि पैंथेरा टिग्रिस हैज फाउंड टू हैव सब स्पीसीज नेमली बाली जावन एंड कैप्सियन, इसका भी हमने ट्रिक बना रखा है जितने भी एक्सटेंशन है, यानी कि जो क्वागा है अफ्रीका के, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया के, स्टेरसी का और रसिया के, और डोडो मॉरिशस 3 सब स्पीसीज, बाली जावन, कैस्पियन ऑफ टाइगर, इसका ट्रिक आप जरूर देख लें, बहुत ईजी है, हमेशा याद रहेगा। टिया प्लाज्मिड इज फाउंड इन, आंसर डी एग्रोबैक्टेरियम ट्यूबिफेशियंस। रीड द फॉलो बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर, ओनली जो है करेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है
एडेनिन एंड गुआनिन आर बेसिस दैट हैव अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. साइटोसिन, थायमिसिन एंड यूरासिल आर बेस्ट विच विद अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. सेकेंड यहाँ पे कर एन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए इज द सेम एज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम आरएनए. डीएनए एडेनिन पेयर्स विद यूरासिल. ओके, तो एडेनिन जो है यूरासिल से नहीं थायमिन से पेयर करते हैं डीएनए में, और आरएनए एडेनिन पेयर्स विद थायमिन. तो ये हमारा गलत है, आरएनए में होते हैं एडेनिन जो यूरासिल से पेयर करते हैं, इसलिए हमारा ये गलत है. थर्ड यहाँ पे कह रहा है द बेस पेयरिंग दैट अकर्स इन अ डबल डीएनए हेक्स एंड हैज आरएनए इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फॉलोज अ रूल दैट अ प्यूरीन पेयर्स विद अ पायरिमिडिन. बिल्कुल सही है. फोर यहाँ पे कह रहा है द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द डबल हेलिक्स फॉर्म्ड हैज टू स्ट्रैंड्स दैट आर पैरेलल टू इच अदर. बिल्कुल सही है. ओके, इन मिलर एक्सपेरिमेंट नाइट्रोजन वाज नॉट यूज्ड. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट यहाँ का इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम बैसलस फ्रेजेस इनटू कॉटन. बिल्कुल सही है. सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस कैटल विथ हाई मिल्क यील्ड्स गलत है. यूजिंग हर्बिसाइड्स टू किल अनवांटेड प्लांट्स बिल्कुल गलत. यूजिंग सिस्टाइड्स टू किल इंसेक्ट पेस्ट ये भी गलत है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया. आंसर सी, बायोस्फीयर रिजर्व्स. द एंटी कोडन ऑफ टी आर एन ए कोडिंग फॉर एलानिन वॉज फाउंड टू बी जी सी जी यू. व्हाट विल बी द ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ द एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो वही होगा, बस यू के जगह पे टी आ जाएंगे. आंसर सी, सी जी टी. थियोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई डार्विन एंड वैलेस डज नॉट एक्सप्लेन ऑल दिज एक्सेप्ट. आंसर होगा डी, द काज ऑफ स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस. ए हमारा गलत है. बाकी ए बी सी सही थे. अराइवल ऑफ डज नॉट कर यहाँ पे डज नॉट एक्सप्लेन ऑल दिज, यानी कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट फिटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गेन और ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट. ये सब नहीं बताया था, लेकिन द काज ऑफ स्ट्रगल ऑफ रेजिस्टेंस बताए थे. ओके, ये रहे सारे हमारे बायो क्वेश्चंस. डार्विन थ्योरी ऑन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज स्टेट्स दैट ओवर रिप्रोडक्शन एंड लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज काउज स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस नेचर विल सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंटिन्यूअस इन्वायरमेंटल चेंजेज अलॉन्ग विद द नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना. आते हैं केमिस्ट्री पे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे. ओके, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे है. यूरिया एन एच टू सी ओ एन एच टू नीड्स टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%. व्हाट विल बी द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. आंसर हमारा ये होगा 18.52 मीटर. नेक्स्ट, अल्काइल साइनाइड अंडरगोज स्टीफन रिडक्शन टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड. द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्वस एन ओ एच गिव्स फॉस्फीन अलॉन्ग विथ अनदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड. द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फीन एंड द अदर प्रोडक्ट आर रेस्पेक्टिवली. आंसर सी, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन -3 एंड +1. कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज फॉर लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन. व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर एम एल. आंसर बी, 16.25 मीटर. जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग. आंसर बी, टाइटेनियम. टी एस सी एल फोर एंड सी टू एच फाइव होल थ्राइस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम ए एल. द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ शेप इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड शेप ऑफ आई थ्री माइनस आर रिस्पेक्टिवली. आंसर ए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री लिनियर शेप. हीट इवॉल्व ड्यूरिंग केमी जो ऑप्शन लाइज इन द रेंज ऑफ. आंसर बी, 82 to 240 किलो जूल पर मोल. क्वेश्चन नंबर एट, अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विथ डाई अल्काइल कॉपर रीएजेंट टू गिव. आंसर बी, अल्केन्स. नाइन, द रिएक्शन वाटर गैस सी ओ प्लस एच टू प्लस एच टू एट 623 केल्विन 300 एटमोस्फेयर इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी आर टू ओ थ्री जेड एन ओ इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ. आंसर सी, सी एस थ्री ओ एच.
एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। आंसर ए, इंथैल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इंट्रोपी इंक्रीजेज। टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल कैन बी ऑब्टेन बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एस एस सी सी एस थ्री होल ट्वाइस सी डबल बॉन्ड सी एस सी एस थ्री। नेक्स्ट, एन अल्कोहल विथ कार्बन इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.5%, 6.7% विल हैव द एम्पिरिकल फॉर्मूला। आंसर बी, सी एस टू ओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर डी, ऑल आर करेक्ट है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज मे डिफर इन डाइपोल मोमेंट एंड विजिबल यूवी स्पेक्ट्रा। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप एम ए थ्री बी थ्री कैन ऑल्सो हैव फैसियल फैक एंड मेरिडोनियल मर आइसोमर। सी यहाँ पे कह रहा है, द नो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स ट्रांस सी ओ एन होल्ड टू सी एल टू प्लस। ओके, पी बी सी एस थ्री सी डबल ओ होल्ड ट्वाइस गिव्स ब्लैक कलर विथ एच टू एस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इज पुट इन अ सिलेंडर कंटेनिंग पिस्टन। पिस्टन इज पुल्ड आउट आइसोथर्मली सो दैट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज बट दैट ऑफ वेपर्स इंक्रीजेज। नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाज लेफ्ट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इज 0.4। इफ पी नॉट ए इक्वल टू 0.4 एंड पी नॉट बी इक्वल टू 1.28 एटीएम एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल प्रेशर एट व्हिच द लिक्विड इज ऑलमोस्ट इवेपोरेटेड। आंसर सी, 0.0667 एटीएम। नेक्स्ट, अ हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। आंसर ए, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। एच ए इज ए वीक एसिड एंड बी ओ एच इज वीक बेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। आंसर होगा बी, बी ए। 116 एम जी ऑफ कंपाउंड ऑन वेपराइजेशन इन अ वेक्टर मेयर्स एपरेटस डिस्प्लेसेज 44.8 ml ऑफ एयर मेजर्ड एट एच टी पी। द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज। आंसर ए, 58 ग्राम पर मोल। विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलोइंग जेनॉन गैस टू लिक्विफाई। आंसर ए, लंडन फोर्स। पी एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू डायल्यूट एच टू एस फोर गिव्स ए, ए इज आंसर सी, पी एच सी एच ओ एच सी एच टू सी एच थ्री। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओ टू एट एच टी पी इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ए, 4.61 × 10⁴। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई सैकराइड। आंसर सी, रेफिनोज। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ हीलियम टू द रिएक्शन सिस्टम। आंसर बी, रिड्यूसेज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट, Which of the following statement is false? Answer D, none. सारे सही है, यानी कि कैनजारो रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और एल्डिहाइड कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, आंसर ए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सी एस सी एल टू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। आंसर सी, यूरासिल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल फॉर द सेल रिएक्शन। ओके, आंसर सी जो हो गया हमारे यहाँ पर, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.84 वोल्ट। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स एफ ई एस सी आर बी बी आर टी ई एफ एंड सी एच। ऐसा हमारा डी होगा सबसे ज़्यादा, रूबिडियम देन कैल्शियम स्कैंडियम आयरन टेल्यूरियम बोरबीन देन सबसे कम होगा फ्लोरिन। आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या होगा? आंसर होगा डी, 2-क्लोरो-4,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। 30, ट्रांस एस्टरीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सी कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर टू अनदर एस्टर। ट्रांस एस्टरीफिकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं।
द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, आंसर बी 2s और 3s होंगे। ओके, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज 4.95 × 10⁻¹⁹ जूल। कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एच इक्वल टू 6.6 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड। आंसर ए 7.5 × 10¹⁴ सेकेंड। द इनथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन बी आर टू प्लस सी एल टू गिव्स 2 BrCl आर 30 kJ/mol एंड 105 J/kV/mol रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम इज, आंसर डी 285.7 केल्विन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर ए द एस 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 बॉन्ड एंगल्स इन एस सेट एंड एस सिक्स रिंग्स आर द सेम, हमारा गलत है। बाकी बी सी डी सही है, यानी कि रोम्बिक एंड मोलिकुलर सल्फर हैव एस सेट मोलिकूल्स, एस टू इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, और एस एट रिंग्स हैज क्राउन शेप। फॉर अ गैसियस रिएक्शन फॉलोइंग डाटा इज गिवेन, द टेम्परेचर एट विच के वन इक्वल टू के टू इज, आंसर होगा डी 434.2 केल्विन। व्हाट इज द कंपाउंड ए इन द गिवेन रिएक्शन, ओके आंसर हमारा ए होगा, नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम पैरा पोजिशन एक्टिवेट एरोमेटिक बायो मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय सीरियम आर, आंसर बी +3 +4। 38 इन एन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स आर नंबर्ड एज शोन बिलो, द एटम नॉट टचिंग ईच अदर आर नंबर्ड 3 इन फेस सेंटर ऑफ फ्रंट फेस, आंसर सी 1 एंड 2। द मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H9N कैनॉट रिप्रेजेंट, आंसर डी क्वाटरनरी सॉल्ट। अ सॉल्यूशन ऑफ -1,1-1-chloro-1-phenyl-ethane इन टॉल्यूम रिसिमाइज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आंसर ए कार्बो कटायन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाई कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, आंसर बी एल्यूमिनियम। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgIO3 मॉलिकुलर मास 283, द इक्विलिब्रियम व्हिच सेट्स इन AgIO3 गिव्स Ag प्लस प्लस IO3 माइनस। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट Ksp ऑफ AgIO3 एट अ गिवन टेम्परेचर इज 1 × 10⁻¹⁸, व्हाट इज द मास ऑफ AgIO3 कंटेंड इन 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आंसर डी 2.83 × 10⁻³ ग्राम। अ गामा फॉर्म ऑफ आयरन हैज FCC स्ट्रक्चर एज लेंथ 386 पिकोमीटर एंड बीटा फॉर्म हैज BCC स्ट्रक्चर एज लेंथ 290 पिकोमीटर, द रेशियो ऑफ डेंसिटी इन गामा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म इज, आंसर होगा ए 0.08 0848। ए प्लस 2 बी गिव सी, द रेट इक्वेशन ऑफ फॉर द रिएक्शन इज गिवेन एज, आंसर होगा रेट इक्वल टू Ka × B। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट द सेम बट दैट ऑफ बी इज डबल्ड, व्हाट विल बी हैपन टू द रेट इटसेल्फ, आंसर होगा ए यानी डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट मास ऑफ N2H4 कैन बी ऑक्सीडाइज टू N2 बाई 24.0 ग्राम K2CrO4 विच इज रिड्यूस टू CrOH होल 4 माइनस गिवेन मोलिकुलर मास ऑफ Cr2 K2CrO4 इक्वल टू 194.2, यानी कि आंसर होगा बी 2.97 ग्राम। ओके, ये सारे थे फिजिक्स क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स पे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, अ मैग रेडी अ मैग ए 1 mg, सॉरी 1 mg रेडियम हैज 2.68 × 10⁸ एटम्स, इट्स हाफ लाइफ इज 1620 ईयर्स, हाउ मेनी रेडियम एटम्स विल डिसइंटीग्रेट फ्रॉम 1 mg ऑफ प्योर रेडियम इन 3240 ईयर्स, आंसर होगा बी 2.01 × 10⁸। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ लेमडा 1:2 लेमडा 2 इमिटेड इन द
टू केसेस, ये आंसर होगा डी, 20:7, 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. If 10 kg block is raised through a height of 7 cm, then the distance through which other mass should be moved to raise the center of mass of the system by 1 cm each. Answer होगा B, 1 cm down. A body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 i cap undergoes a collinear collision with a body of mass m2 moving with a velocity v2 i cap. After collision, m1 and m2 move with velocities of v3 i cap and v4 i cap respectively. If m2 equal to 0.5 m1 and v3 equal to 0.5 v1, then v1 is answer होगा D, v4 minus v2. The speed of particle moving in a circle of radius r equal to 2 meter varies with time t as v equal to t to square, where t is in second and v is in meter per second. Find the net acceleration of t equal to 2 second. Answer होगा A, 80 meter per second square. An electric fan has blades of length 30 cm as measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, the acceleration of point on the tip of the blade is about, answer होगा B, 1.4740 meter per second square. In the circuit diagram shown in the figure, the potentials of points B, C and D are respectively, answer होगा B, 11 volt, 9 volt and 6 volt. In the circuit shown in the figure, V must be, answer होगा B, 100 volt. If the current through the inductor of 2 Henry is given by I equal to T sine T A, then the voltage across the inductor is answer B, 2T cos T plus 2 sine T. A wire is bent to form a semicircle of radius A. The wire rotates about this one end with angular velocity omega. Axis of rotation is perpendicular to the plane of the semicircle. In the space, uniform magnetic field of induction B exists along the axis of rotation as shown in the figure. Then answer होगा A, the potential difference between P and Q is equal to 2B omega A square. 3 point charges of +2Q, +2Q and -4Q are placed at the corner AB and C of an equilateral triangle ABC of side X. The magnitude of the electric dipole moment of this system is answer D, 2√3 Qx. Which of the following is true about linear isotropic dielectric? Answer B, induced dipole moment of the linear isotropic dielectric is in the direction of the field and proportional to the field strength. A planet revolves around the sun in an elliptical orbit. The linear speed of the planet will be maximum at, answer C, A. The radii of two planets are R1 and R2 and their densities are rho 1 and rho 2 respectively. If G1 and G2 represent the acceleration of due to gravity at their respective surfaces, then G1, G2 is answer D, rho 1 R1 by rho 2 R2. 150 joule of energy incident on area 2 meter square. If Q are equal to 15 joule, coefficient of absorption is 0.6, then the amount of energy transmitted is answer B, 45 joule. The thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle is answer A, 2 PV. Next. The coefficient of performance of a refrigerator is 5. The temperature inside the freezer is -20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding is in which heat it rejects heat is answer D, 31 degrees Celsius. A charged particle is moving in a uniform magnetic field in a circular path. The energy of the particle is doubled. The initial radius of the new circular path will be answer B, √2 r. The magnetic field due to current carrying circular coil loop of radius 6 cm at a point of axis at a distance of 8 cm from the center is 54 micro Tesla. What will be the value of the center of loop? Answer D, 250.
टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स एम एंड एम रूट थ्री आर ज्वाइंड एट राइट एंगल्स टू फॉर्म अ क्रॉस एज डिपिक्टेड इन द फिगर. द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज. आंसर होगा सी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. अ स्मॉल बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ राइजिंग बैलून. अ पर्सन ए स्टैंड ऑन द ग्राउंड वाइल अनदर पर्सन बी इज ऑन द बैलून. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इमिडिएटली आफ्टर द बॉडी इज रिलीज. आंसर डी, ए फील्स दैट द बॉडी इज गोइंग अप वाइल बी फील्स दैट बॉडी इज गोइंग डाउन. अ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजेंटल इज. आंसर सी, ए स्क्वायर बाय 4 बी टेन इनवर्स ए. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड मास ऑफ 2 kg इज अटैच टू साइड सपोर्ट एट ओ एट शोन इन द फिगर. द रॉड इज एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू अपवर्ड फोर्स टी एक्टिंग ऑन पी. एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 m/s². द वैल्यू ऑफ टी इज. आंसर होगा यहाँ पे बी 10 न्यूटन. अ मैन स्टैंड्स ऑन ऑन वेइंग मशीन केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट. इनिशियली द लिफ्ट इज असेंडिंग विद द एक्सेलरेशन ए ड्यू टू विच द रीडिंग इज डब्ल्यू. नाउ द लिफ्ट डिसेंडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन एंड रीडिंग इज 10% ऑफ फाइन इनिशियल. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. आंसर होगा बी 9 g/11. इन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 आवर्स इट्स एवरेज लाइफ इज. आंसर सी 14.4 आवर्स. इफ सम एट सम स्टैंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2:1 इफ दियर हाफ लाइफ रेस्पेक्टिवली आर 12 आवर्स एंड 16 आवर्स देन आफ्टर 2 डेज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टू सब्सटेंस इज. आंसर ए 1:1. द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए साइन 2 π t. देन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट टाइम 1/8 ऑफ अ सेकेंड इज. आंसर सी ए बाई रूट 2. द एक्स ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो. द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड इज. आंसर डी -√3/32 π² cm/s². सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शंस 2.3 eV एंड 4.5 eV रेस्पेक्टिवली. देन द रेशियो ऑफ थ्रेसोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू. आंसर सी 2:1. इट टेक्स 4.6 eV टू रिमूव वन ऑफ द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सर्फेस. वेन मोनोक्रोमैटिक फोटोन्स स्ट्राइक द मेटल सर्फेस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 to 2.2 eV आर इजेक्टेड. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स. आंसर सी 6.8 eV. अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज ब्लोन अप टू फॉर्म अ बबल ऑफ रेडियस 2 r अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस. इफ सिग्मा इज द सर्फेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन द एनर्जी स्पेंट इन द प्रोसेस इज. आंसर बी 24 π σ आर स्क्वायर. देर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द होल्स इज एच. द टैंक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सर्फेस. द हॉरिजेंटल फोर्स विथ विच विल हैव टू बी अप्लाइड ऑन द टैंक टू कीप इट इक्विलिब्रियम इज. आंसर होगा सी 2 ρ a g h. अ मैन नियर पॉइंट इज 0.5 m एंड फार पॉइंट इज 3 m. नियर पॉइंट 0.5 है और फार पॉइंट 3 m है. पावर ऑफ अ स्पेक्टिकल लेंस रिक्वायर्ड क्या होगा. फर्स्ट रीडिंग परपोज के लिए और सेकंड है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे सी आंसर होगा +2 d एंड -0.33 diopter. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 cm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6. द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाई अ रे फ्रॉम सोर्स टू सरफेस ऑफ द स्लैब इज द सेम एज ट्रेवल थ्रू ग्लास स्लैब. द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द सर्फेस इज. आंसर होगा बी 8 cm.
अ पार्टिकल ऑफ मास 5 यूनिट्स इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 यूनिट्स इन द एक्स ओ वाई प्लेन अलॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज आंसर बी 60 यूनिट्स। अ रिंग स्टार्ट्स टू रोल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच विदाउट स्लिपिंग। द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इज आंसर होगा डी अंडर रूट जी एच। 6 वोल्ट जनरल डायोड शोन इन द फिगर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड अनी करेंट ऑफ 5 mA। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इन ओम सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट इज आंसर सी 80। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर स्टेज इज 100। द गेन एक्सप्रेस्ड इन डीबी इज आंसर होगा यहाँ पे बी 20। अ बबल इज एट द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ डेप्थ एच। एज द बबल कम्स टू सरफेस इट्स रेडियस इंक्रीज 3 टाइम्स। इफ एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज इक्वल टू ए एल मीटर्स ऑफ द वाटर कॉलम देन एच इज इक्वल टू आंसर होगा ए 26 L। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवेन बाई टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अंडर रूट। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड एल इक्वल टू 10 ± 0.01 cm एंड द टाइम पीरियड टी इक्वल टू 0.5 ± 0.02 सेकेंड। द परसेंटेज इरर इन द वैल्यू ऑफ जी इज आंसर होगा बी 8%। अ स्फेरिकल वेव फ्रंट शोन इन फिगर स्ट्राइक अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स विल बी एज शोन इन आंसर होगा सी यहाँ पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। द एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डी एंड ऑल्सो टू स्लिट्स आर सिमिलर आंसर होगा सी साइन इनवर्स लेमडा बाई 3 डी। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 256 Hz मेक्स 5 beats per second विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू 2 beats per second वेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन वाज आंसर सी 256 - 5 Hz। क्वेश्चन नंबर 44। अ स्टेशनरी सोर्स सी फिगर इमिट्स साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ टुवार्ड्स अ स्टेशनरी वॉल। इफ एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ स्पीड यू इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वॉल मेजर्स अ फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू 80 11/8 f एट द इंस्टेंट शोन देन यू इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड वी एस एज आंसर हमारा ए होगा 3/4 vs। क्वेश्चन 45। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रोन अप वर्टिकली विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। इफ जी इक्वल टू 9.8 m/s² द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज आंसर होगा सी 12.5 m। ओके ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और हाँ PDF सारे अवेलेबल हैं NTA मॉक टेस्ट के, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।